दोस्तों अभी के लिए आप अपने स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस करने के लिए रजिस्टर होते होंगे, पासवर्ड क्रिएट करते होंगे, तब जाके आप वहाँ पर लॉगिन कर पाते हो। ऐसी गेमें भी होती हैं, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा जहाँ पर पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। आप कहोगे फिर काम कैसे चलेगा इस पर एक्सेस पाने के लिए और अपना अकाउंट सिक्योर करने के लिए। दरअसल इसी के ऊपर अब एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहे हैं, और यहाँ पर तीनों अलग अलग काम नहीं कर रहे बल्कि तीनों ही टीम अप हो चुके हैं, एक साथ कोलैब करके ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर इनके जो आने वाले डिवाइसेस होंगे वो पासवर्ड फ्री साइन इन के साथ में आएंगे, जो कि एक रियलिटी होने वाली है, और वो सिर्फ इन्हीं के डिवाइसेस में मिलेगी क्योंकि ये तीनों ही आपस में काम कर रहे हैं। तो इस फीचर को कहा जा रहा है जीरो पासवर्ड फीचर, जो कि इनके आने वाले डिवाइसेस के अंदर होगा। हालांकि पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन काम तो इन्होंने करना शुरू कर ही दिया है। और अब अगर हम पासवर्ड की बात कर रहे हैं तो अभी तो पासवर्ड चल रहा है, तो जिसके लिए गूगल असिस्टेंट आपकी हेल्प करेगा कि भैया आपके कुछ पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं, कहीं पर एक्सपोज हो रखे हैं, तो उसके लिए वो आपको वॉर्न भी करेगा, और अगर आप चाहते हो तो वो ऑटोमेटिकली ही आपके पासवर्ड चेंज भी कर देगा। आप कहोगे ये किस तरीके से किया जाएगा, दरअसल गूगल का AI ही ये सारा काम करेगा, दूसरी वेबसाइट पे लॉगिन करके आपके पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करेगा, जहाँ पर हो गया तो ठीक, वरना आपको ही एक एक करके पासवर्ड चेंज करने पड़ेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता ही नहीं कि उनके पासवर्ड एक्सपोज हो रखे हैं, लीक हो रखे हैं, जिसके लिए वो havebeenporn नाम की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, जहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई आपके पासवर्ड लीक हुए हैं या नहीं हुए। लेकिन क्रोम ब्राउज़र भी बता देता है कि हाँ भाई आपके पासवर्ड ये वीक पासवर्ड पड़े, ये एक्सपोज हो रखे हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ आ जाता है, तो उनको चेंज करने की ज़रूरत होती है उन वेबसाइट के ऊपर जाकर। और यहाँ पर आप कहोगे चलो इसने चेंज कर भी दिया ऑटोमेटिकली, तो फिर मेरे को कैसे याद रहेगा वो पासवर्ड? वो पासवर्ड आपका क्रोम ब्राउज़र पे ही सेव होगा, ये फीचर सिर्फ क्रोम ब्राउज़र पे ही आपको मिलने वाला है। दोस्तों अमेरिका के अंदर अब स्टारलिंक के यूज़र्स को एक और ऑप्शन दे दिया है उन्होंने कि आप स्टारलिंक टर्मिनल इधर से उधर भी लेके जा सकते हो। मतलब क्या होता है कि एक एड्रेस पे जब रजिस्टर्ड हो जाता है स्टारलिंक का टर्मिनल, तो वहीं पर उसका इंटरनेट चलेगा, लेकिन क्या होता है कि लोग इसको लेके इधर उधर भी जाने की सोचते हैं, जिसके लिए उनको $25 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसके बाद में वो चाहे कहीं पर भी जाएँ ये वहाँ पर चलेगा। लेकिन इन मोशन अभी भी ये काम नहीं करता कि मतलब जिस तरीके से इस बंदे ने अपनी गाड़ी के ऊपर लगा रखा है और ये कहीं भी चलाता जाएगा, तो इंटरनेट तब काम नहीं करेगा जब ये कहीं पर रुकेगा, उसके बाद ही इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, वो भी उस जगह पर जहाँ पर क्लियरली स्काई को आप देख सकते हो। दोस्तों जब तक ये बंदा US का प्रेसिडेंट था, क्या ठाट बाट रहते थे इसके, मतलब हर जगह इसी के चर्चा हुआ करती थी। नाम है डोनाल्ड ट्रंप, काफ़ी टाइम बाद ये नाम ले रहे हैं, मतलब हर दिन इनकी चर्चा होती ही रहती थी कहीं ना कहीं पर, जिस तरीके के इनके काम हुआ करते थे। चाइना के ऊपर तो फुल एक्शन लिया करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मामला इनका ठंडा हो रखा है, सोशल मीडिया पे से बैन कर दिया गया, ये वो कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि एलन मस्क ने जब से ट्विटर को बाय किया है तो एलन मस्क की काफ़ी ज़्यादा ये तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको ऐसी उम्मीद है कि शायद एलन मस्क अब इनके काम आ जाए और इनका वो ट्विटर अकाउंट दोबारा से इनको मिल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स वहाँ पर मौजूद थे, तो वो काफ़ी वैल्यूबल अकाउंट था इनके लिए, शायद इनको मिल जाए, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश है। और यहाँ पर दोस्तों स्कॉटलैंड के अंदर 25 मई को दुनिया की सबसे बड़ी विस्की की बॉटल ऑक्शन पे लगा दी गई है, जो कि 82.16 गैलन्स की है, जो कि 32 साल पुरानी है। लेकिन ये पूरी की पूरी बोतल क्या है, तो पूरी टंकी है, छत पर रख दो काम में आएगी। बाटली लेके जाने का किट नहीं मांगता रे, महीने में दो बार तू दारू का टैंकर भर के लाने का और ऊपर पानी की टंकी में डाल देने का, जब मेरे को चाहिए तब नल खोल के गिलास भर लूंगा मैं, ठीक है। दोस्तों नथिंग के आने वाले फोन 1 की स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है, जो कि कुछ इस तरीके की है। स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट इसमें लगा होगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद होगा, 25,000 तक का ये हो सकता है, और इसके अंदर HDR10+ भी होगा, और इसी के साथ साथ फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले होगी। हालांकि कह नहीं सकते कि इस लीक पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन लीक पर ही दुनिया कायम है टेक की, तो इसको भी मान लेते हैं सही। दोस्तों आप ऑनलाइन फूड तो ऑर्डर ही करते रहते होंगे, Zomato पे से, स्विगी पे से, जहाँ पर आप तक खाना पहुँच भी जाता होगा, कभी कभार लेट पहुँचता होगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि वो डिलीवरी एजेंट ही कहीं और भाग रहा था फूड लेके, उसके बाद में जब कंप्लेंट वगैरह करी तो उसके बाद में उन्होंने एक और ऑर्डर मुझको दिया, तो खैर ये तो मेरे साथ हुआ था। लेकिन बेंगलोर के अंदर एक बंदे के साथ में क्या हुआ है कि स्विगी पे से उन्होंने ऑर्डर किया, यहाँ पर स्विगी का डिलीवरी एजेंट इतना ज़्यादा सुस्त आदमी था, लेजी बंदा था, कि उसने दूसरी डिलीवरी सर्विस का बंदा हायर किया और उसको भेज दिया वो डिलीवरी कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद में उस बंदे को बोलता है कॉल करके
कि भाई मैंने आपका ऑर्डर डुंजो करवा दिया है, मतलब कि एक सर्विस है जो कि डिलीवरी करती है, उससे पहुंचवा दिया है, आप क्या है 5 स्टार की रेटिंग दे दो मुझे। और जिस तरीके का आइडिया इस बंदे ने लगाया है, इसको तो किसी नई कंपनी का CEO बना देना चाहिए जो कि डिलीवरी पर डिलीवरी करवाएगी, मतलब डिलीवरी लेगी उसके बाद में दूसरे से डिलीवरी करवा रही होगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।